शायद इस बात को महसूस करेंगे कि ये क्लब सेवा में इतने कार्य कर रही है कि शहरों में भी तो बड़ी अच्छी अच्छी क्लब भी शायद इतने कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि 4 साल के अर्से में ही मैंने देखा कि यहाँ पर कई मेडिकल चेकअप कैंप्स का आयोजन किया गया। इस क्लब ने एक रोटरैक्ट क्लब बनाई, इस क्लब ने यहाँ पर इनर विंग क्लब की स्थापना की भी प्रेरणा दी। जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं मिसेस गई, वो बहुत बढ़ चढ़ कर सेवा में कार्य कर रही हैं। इस क्लब ने एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट किया और जो शायद इस इलाके की बहुत ही अधिक जरूरत थी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई रोगी बहुत ज़्यादा दफा जिसकी गंभीर हो जाती थी उसको ले जाने का कोई साधन नहीं था, तो यहाँ पर इस क्लब ने एक वैन इस इलाके को दी जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पे गंभीर रूप से स्वस्थ है जिसकी और किसी अच्छे अस्पताल में पहुँचाना है तो उसको ले जाते हैं। और इसी तरह बहुत से कार्य इस 4 साल के अरसे में ही इस क्लब ने पूरे किए। और आज मुझे ये देख के अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इतने दिशा के आँख है तो जहान है और आँख के बिना सारा संसार ही अंधा है। ये आप एक बहुत ही सेवा का कार्य इस इलाके के लिए कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा है कि आप इसी तरह भविष्य में भी सेवा का कार्य इसी प्रकार करते रहेंगे। और मुझे कम से कम पर्सनल गर्व होने का मौका देते रहेंगे। धन्यवाद। समाज सेवा में लिप्त व्यक्ति हैं, उनका हमारे लिए एक प्रेरणा है। ऐसे लोगों से ही आदमी को प्रेरणा मिलती है कि समाज के कार्य में लगे और अच्छे कार्य करें। तो उन्होंने वो हमारे आज के गेस्ट का ऑनर है। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कुछ शब्द कहें। मैं गवर्नर श्री मनी जी का आए हुए महानुभाव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रोटरी क्लब कराराम के प्रधान श्री जीवन जैन और सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस बात से ये उपकार शुरू किया है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आए हुए जितने भी पेशेंट हैं उन सबकी आंखों में उन को भी अदा बख्शे। धन्यवाद। अब मैं अपने मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और मोहनी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ कहें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। बड़े हारमोनी मेरे साथियों के बंधुओं देवियों सभी आए हुए गण्य माने सज्जनों, आज इस रोटरी क्लब सरवारा ने जो अपना प्रथम आई कैंप का आयोजन किया है इसके लिए मैं क्लब को भी बधाई देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ। क्योंकि अपने पिछले 4 वर्ष के थोड़े से कार्यकाल में इस क्लब ने जो कुछ किया है शायद बड़ी बड़ी क्लब भी उतना ना कर सके। मुझे ध्यान है कि आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मुझे इसी क्लब में बुलाया था जबकि इस क्लब ने एक एम्बुलेंस सुनारा के लोगों के लिए डोनेट की थी, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस की ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि उससे गरीब लोगों को बाहर जाने के लिए पीजीआई में मरीज भेजने के लिए कोई जगह हुए सकता। वो बजट बहुत अच्छा रहा इनका और जो अभी इन्होंने आई कैंप का प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि आई कैंप आई ऑपरेशन देख सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि हम अपनी आंखें बंद कर इस कमरे से बाहर जाएं तो कितनी ठोकरें हमें लगें, कभी आपने सोचा है?
उन व्यक्तियों को जो नहीं देख पाते किसी वजह से, उनको देखने में सहयोग करना शायद इससे बड़े पुण्य का कोई नाम नहीं हो सकता। अब मैं तो ये कहूंगा कि इस पुण्य के आगे चाहे आप गरीबों को खाना खिलाए, कपड़े दें, वो सब पुण्य के छोटे हैं। जब कोई व्यक्ति जिनका आज इलाज इस कैंप में होगा और वो देख पाएंगे, तब जो आशीष उनके मन से निकलेगी, जो दुआ उनके मन से आपके लिए निकलेगी, वही सच्ची दुआ होगी आपके लिए। आंख एक ऐसी नेमत है, भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है कि हम जो कुछ देख पा रहे हैं आज, अभी हम आप सब मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ। इसके साथ ही जब भी हम बाहर निकलते हैं तो एकदम जो दूसरा दृश्य सामने आता है वो हम देख पाते हैं। साइंस ने कितनी भी कठी कर दी है लेकिन इस चीज को अभी तक नहीं कर पाए। मेरे फोटोग्राफर भाई वीडियो फिल्म बना रहे हैं लेकिन इसमें जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ आप पीसीआर के ऊपर ही देख पाएंगे। जबकि भगवान ने ये आंख एक ऐसी चीज बनाई है, एक ऐसी नेमत बनाई है कि आप तुरंत इसका विवरण देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी ऑपरेटर इस कैंप में हों वो सभी सफल हों और जिस उद्देश्य के लिए कैंप लगाया गया है उसमें हम सब कामयाब हों। धन्यवाद। रामदास जी से अनुरोध करता हूँ कि बाहर से आए मेहमानों का धन्यवाद करें। उससे पहले मैं कुछ संस्थाएं और व्यक्ति जिन्होंने हमारे इस कैंप के सहयोग दिया है, हमें पूरी हेल्प कनाडा जिनका यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है, इन्होंने हमें उत्साहित किया और इन्होंने स्पॉन्सर किया, हम इसके इनके बड़े आभारी। उसके पश्चात डॉक्टर सिटी घायल एमएस यूएमएस हार्बर कोटेशन हॉस्पिटल जिसकी टीम ने यहाँ पर 16 तारीख से निस्वार्थ कार्य कर रही है और उनका इतना सहयोग है कि मैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता और जिस तरीके से इस इलाके के लोगों का उनको विश्वास है उसको भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया सकता। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वो हमारे से कोई भी किसी किस्म का चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई हमारे से कोई उनका कुछ भी मत को उन्होंने हमें हेल्प करने के लिए नहीं कहा। खुद अपने आप वह सारा ये टेंट को समझे कि इसमें जो मेडिकल एड है वो दे रहे हैं। उसके बाद में सीएमओ साहब का जिन्होंने हमें कैंप लगाने की परमिशन दी और ये भी वादा किया कि आपको जो भी सहायता चाहिए हम आपको देंगे। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस बात डॉक्टर का बात करता हूँ, उनका मैं आभारी हूँ कि इस कैंप में उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। उसके बाद पीडब्ल्यूडी स्टाफ रेस्क्यू मल्होत्रा जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। बिल्डिंग की मेंटेनेंस में और उन सब बातों में उन्होंने हमें हेल्प किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए हमें सहयोग दिया, उनका भी मैं अति आभारी हूँ। इसके पश्चात मैं अपने ही घर के जो मेम्बर हमारे इनर रेजिडेंट और उनके मेम्बर्स का भी आभारी हूँ कि वो बढ़ चढ़कर हमारे कार्य में हिस्सा ले रही हैं और मैं आशा करता हूँ कि वो पेशेंट्स को ये महसूस कराएंगे कि वो घर पे हैं, ना कि कहीं बाहर पर बैठे हुए हैं। दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी विल ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। मैं उनसे पूरा सहयोग चाहता हूँ और जो उन्होंने सहयोग दिया उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और उससे पश्चात सबसे आगे भी मैं रोटेक्ट क्लब के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स जो है उनका भी आभार करता हूँ। नवयुवकों ने बढ़ चढ़ कर जो है हमारे इस कार्य में सहयोग दिया है। अब मैं यही साथ से अनुरोध करूँगा, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि लाला रणवीर शरण जी ने 2100 रुपया हमारे इस क्लब में इस कार्य के लिए डोनेट किया।
और मैं उन सभी दानियों का भी भारी हूँ जिन्होंने इस क्लब में हमें बढ़ चढ़ दान दिया, जैसे स्वर्ण सिंह जी है उन्होंने 500 रुपए दिया, जिसने भी दिया जो जिस प्रकार की हेल्प की है हम उनके अति भारी है, और जो भी हेल्प हमें मिलेगी जिसको हम सामाजिक कार्य में ही खर्च करेंगे, हम किसी और किसी कार्य में खर्च नहीं करेंगे। ये मेरे रोटरी क्लब की तरफ से आपको बैठा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के जैन जो कि हमारे क्लब के निर्माता है डॉक्टर सिद्धि भाई जैन सर जो है हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं टिका साहब और भाई रणवीर शरण जी जो कि गेस्ट ऑनर है डॉक्टर पाल सिंह जी दूसरे बाहर से आए मदद शहरी और क्लब मेंबर्स हमारी क्लब ने पहली दफा ये कैंप लगाया। मैं आशा करता हूँ कि कैंप ठीक तरह संपन्न होगा और दूसरे मदद बाहर से आए हुए मेहमानों ने हमारा हौसला बढ़ाया उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और क्लब की तरफ से मैं करता हूँ। जल्दी हम संकट के काम कर आज हॉस्पिटल का नजारा पेश कर रहा है तो इनका बहुत ही आभारी हमारा क्लब है। 15 तारीख के लिए कुछ कम करती करोगियाँ इंसान को यहाँ ईश्वर उपासना के लिए पैदा किया गया वहाँ उससे भी ज्यादा आसपास के प्राणियों की सेवा करने के लिए पैदा किया गया है खास तौर पर और उसी तरह दुनिया भर में फैली हुई है। रोटरी क्लब के मेंबर ईश्वर कृपा से अच्छे खाते पीते घरों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ वो अच्छा खाना और अच्छा पहनना ठीक समझते हैं वहीं आस पास के दूसरे लोगों को भी उतना ही अच्छा देखना चाहते हैं और उसी तरह धन्यवाद। आप तो धीरे जी अब मैं हमारे लोग हैं अपनी सेरेमनी जो है करते हैं उसके पश्चात चाय पान का अरेंजमेंट है सभी चाय की बजाय सभी सर लोग हैं कोई भी गेस्ट ना चाय नहीं आ वो भट्टी है तो भट्टी का जो है उसका रेगुलेटर तो वो हेलो
इसी टेबल पर लगा दे, नहीं लगा दे, एक ही जगह लगा दे, यही लगा दे सारे कप, चाय भी यही आ जाएगी, एक जगह चाय वैसे हमारे में प्रोटोकॉल तो बहुत है, लेकिन हमें प्रोटोकॉल एक चीज़ है, तो प्रोटोकॉल के बारे में कोई राइट है, नॉलेज बजे की जो भी हो वो किससे है? मैनुअल प्रोसीजर में, मैनुअल प्रोसीजर में है जो चैप्टर है इसमें पूरा दिया उसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन है तो वो ऊपर वाले सारे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन है तो वो पढ़ाई वाले सारे, और इनकेस मान लो वो क्लब लेवल का फंक्शन है सारे पास सारे डायरेक्टर आ जाता है, पास सारे एजेंट आ जाता है, तो वो उसको उस हिसाब से। हाँ अभी अब तो सही बना है ना ना वो जीवन जी प्रधान जी को बुलाओगे और ले चलो
आपके पास जूम है? हाँ? मोती निकालते हुए मैं सब सिलाई कटाई है, वेस्ट मत करो आप। ऐसी टूटी है नया।
Yeah, complete. खाली पेट आया ताकि उनकी ना Gracias.